पैकिंग शेकिंग चल रही है सारी कल की तैयारी के लिए। झरने के पास आ चुके हैं तो काठगोदाम सो हाई गाइज वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई एम अर्शन यू आर वॉचिंग मोटो रेटर। लो गाइज बिना किसी देरी के आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बाहर ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो आज जाना था। हाँ भाई बाहर आया था अभी, हम और मामू KTM RC को लेके थोड़ा मार्केट में थोड़ा सामान लेना था मामू को, वो गए हुए हैं सामान लेने और मैं यहाँ पे तब तक नज़ारे ले रहा हूँ। रेडी शेडी हो चुका हूँ अभी रूम पे, आपको दिखाता हूँ क्या आउटफिट है आज का मेरा। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेडियम, कल आपको दिखाया था ये मस्जिद सामने, और पहाड़ों पे घर देखो भाई साहब, दिखाऊँ जूम करके, ये देखिए ये चीज़ मतलब कैसे बसे होंगे यार। खैर उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो बिना किसी देर के आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते हैं आपको। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो फाइनली रेडी शेडी हो चुके हैं, चाय शाय हो ही गई थी अपनी, और देख सकते हो ऐसा कुछ आउटफिट है, फुल ब्लैक सबका आज आउटफिट है। और ऐसा कुछ अपना रूम था और बंदे अपने तैयार हो चुके हैं फुल जोश में जाने के लिए वापस। तो चलो कुछ वीडियोस वगैरह शूट करते हैं और फिर निकलते हैं अपना लगेज को लेके बाइक्स पे। लास्ट टाइम इस व्यू को यहाँ से देख लो बालकनी से, अलविदा कहने जा रहे हैं नैनीताल को। फाइनली रेडी शेडी हो चुके हैं सब लोग और बढ़ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर वापस, अपने शहरों की तरफ सब लोग जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कैसा सुहाना सफ़र रहता है, बारिश वारिश कुछ ना मिले। रेनकोट तो खैर है ही अपने पास, लेकिन जो भी सीन्स होते हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन सीन्स देख के आए थे। रुकेंगे थोड़ा, दिखाएंगे मज़ेदार सीन्स होने वाले हैं, लास्ट सब ब्लॉग में बने रहिएगा। चलो निकलते हैं अपने सुहाने सफ़र में। इतने दिन के हसीन पल को जुदा करते हुए अपने से, ये मार्केट ये रोड यादें जुड़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा इस शहर से, मज़ेदार है। जा हम लोग नहीं पाए ज़्यादा कहीं, खैर उसकी बात तो छोड़ो, लेकिन जितना भी टहले सब यादें बसी हुई हैं। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, आराम से रुकेंगे, खूब एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे नई नई चीज़ें। खैर अब के लिए तो इतना ही, तब भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार आया ब्लॉग्स वगैरह बनने, आप लोगों को भी मज़ा बहुत आया होगा। लो जी झरने के पास आ चुके हैं, छोटू सा झरना है लेकिन प्यारा लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी होगा इसका जिसमें मिल रहा है। सामने जो लेक बन रही है नई नई सी लग रही है लेक, इसी में फिल हो रहा होगा, उधर से भी इसका आउटलेट होगा। यहाँ पे मैगी पॉइंट बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। रुकते हैं थोड़ी देर फिर वीडियोज़ फ़ोटोज़ वगैरह करते हैं फिर चलते हैं आगे किसी से करते हैं। ये देखो जो मैं बता रहा था यहाँ से पानी जा रहा है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये चीज़।
और यहाँ अपना भाई लोगों का फोटो सेशन चल रहा है, और भाई अपना आ रहा है राइडर बन के वीडियो अपनी शूट कराने। तो व्यू देखो भाई, लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। गजब। भाई धुंध कितनी हो रही है, बादल ही बादल। आराम नाल। दिख ही नहीं रहा यार आज तो है, लेकिन अच्छा लग रहा है मौसम। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, धीरे धीरे इतना रश बढ़ गया इस ब्रिज पे, आप लोग खुद ही देखो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ रुक गई हैं। हम लोग जब रुके तो इतना कुछ नहीं था, मतलब क्या है ऐसे ब्रिज में समझ ही नहीं आ रहा। वाटरफॉल अगर सही बात मौसम खुला होता तो यहाँ पे इस साइड में जो है वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। व्यू तो अच्छा चेहरे से मतलब आइस से दिख रहा है, मैं क्या बक रहा हूँ, मेरे लव्स पलट जाते हैं। अच्छा सा व्यू है, मज़ेदार लैंडस्लाइड भी हुई है यहाँ पे, क्योंकि फ्लो ज़्यादा होगा, कुछ टाइम पहले जो बाढ़ वगैरह आई थी उस टाइम फ्लो ज़्यादा था, इसी वजह से इतने पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पे। खैर अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं, वीडियोज़ वगैरह खिंचाते हैं भाई लोग सब लोग, फिर आगे चलते हैं। गया है मौसम इस साइड का, ऊपर को बादल हैं। अभी आप लोगों ने पीछे सीन में देखा होगा कि यहाँ पे जो है मामला बिल्कुल क्लाउडी था, लेकिन अब जो है बेहतरीन व्यू हो गया है। छोटू झरना है, कभी कोई इतना चलता होगा, आज इतना चल रहा है, लेकिन कुछ भी कहो प्यारा है यहाँ पे, सीन अच्छा लग रहा है यहाँ पे। Thank you.
तो काठगोदाम 8-9-10 किलोमीटर बचा है, यहाँ पे रुके हैं। भूख लग रही थी मैगी शेक खाने के लिए। मैगी शेक खाते हैं, पेट वेट भरते हैं, वो अपनी ब्यूटीज़ खड़ी हैं दोनों, तो खाते पीते हैं और फिर चलते हैं, व्यूज़ को एंजॉय करते हैं आगे, और रुकेंगे। बहुत बड़े बड़े व्यूज़ आगे अभी और बचे हैं। रूबिकॉन रैंगलर, चलो एंजॉय करते हैं मैगी को, फिर आगे मिलते हैं आपसे। फिर से रुक चुके हैं हम लोग एक अच्छी सी लोकेशन पे। वाह क्या सीन है, सिनिक ब्यूटी, गजब। वो अलग सा ही चमक रहा है कॉम्प्लेक्स या होटल जो भी हो। बेहतरीन व्यू, बेहतरीन वीडियोस शूट होने जा रही हैं इंस्टा के लिए अपनी, और मज़ेदार। मैंने कहा दिखा दूंगा आप लोगों को। तो काठगोदाम आ गए हैं, 5 किलोमीटर यहाँ से हल्द्वानी बचा है, लेकिन हम लोग सितारगंज वाले रूट पे कट चुके हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट सितारगंज पे निकलते हैं सीन्स दिखाते हैं, क्योंकि बीच में भी बहुत बढ़िया बढ़िया सीन्स आने वाले हैं भाई। रिवर वगैरह आएगा वहाँ पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया सीन्स हैं, सीनिक व्यूज आपको दिखाएंगे। और देखो कितनी ज़्यादा नीचे आ गए हम लोग, कितनी ऊपर थे नैनीताल में। तो चलो एंजॉय करते हैं। ये रेलवे स्टेशन एकदम लास्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, इसके बाद और कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लास्ट तक टाइम खाली था। चलो काठगोदाम पार करते हैं सबसे पहले। ये काठगोदाम के बाद रिवर पड़ता है फ्लो, देखो भाई ऊपर से आ रहा कितनी ज़्यादा तेज़ है। पीछे बारिश होने लगी थी इसलिए शूट वूट कुछ किया नहीं था। ये देखो रेनकोट वगैरह हम लोगों ने पहन लिया था। अब छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई है, जब उधर से आ रहे थे तो आप लोगों ने देखा था काफ़ी ज़्यादा तेज़ फ्लो यहाँ पे चल रहा था, लेकिन अभी कम है। एक और आ गया है वहाँ पे शायद ज़्यादा होता है, और नीचे आ गए हैं। ठंड कम हो गई है, गर्मी हो गई है थोड़ी, लेकिन मज़ेदार व्यू है जंगलों के, वही साथ लेते हुए चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं। चलो सिनेमा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ज़्यादा उससे फ्लो है ऊपर ऊपर, पता नहीं क्यों पानी चल रहा है। बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा पानी है भाई, जूतों में गया मज़ेदार एकदम। पहाड़ों को पीछे छोड़ आए हैं, शायद दिखेंगे भी नहीं, जहाँ से दिखेंगे दिखाएंगे आपको। अभी तो ये जंगल चल रहा है, जंगल पार करते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली ये ब्रिज सितारगंज जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था जिस दिन आ रहे थे, तो इसको बाय बाय करते हुए हम लोग पटाखों वाली स्पीड से जा रहे हैं। पहुँचते हैं जहानाबाद वाले रूट से जाएंगे, क्योंकि वो जो उधर वाला रूट है वो टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो जहानाबाद होके आगे से रास्ता कटा हुआ है पीलीभीत के लिए, तो उसमें चलते हैं। चलो सितारगंज को अपना टाटा बाय बाय। गाइस फाइनली हम लोगों ने पीलीभीत पार कर दिया है, और अब जो है मौसम की काली घटाएं फिर से लग रहा है कि बारिश मिलने वाली है। देखते हैं अगर मिलेगा सिस्टम पानी तो अपना रेनकोट पहन लेंगे। खैर जब तक जहाँ तक जा रहे हैं चलते जाते हैं, मज़े करते हुए ग्रीनरी के मज़े लेते हुए। पहले पहाड़ के मज़े किए ग्रीनरी की, अब यहाँ ज़मीन बैक डाउन टू अर्थ आ गए। तो चलो एंजॉय करते हैं सफ़र को, और जो दिखाने वाला होगा वो आपको ज़रूर दिखाएंगे।
तो फाइनली अपनी ट्रिप पूरी हो चुकी है और मजा आ गया भाई, पूरी मजा आ गया भाई, आ गए वापस। मजेदार ट्रिप रही भाई, जोश में गए, जोश में आए, मजेदार यादगार ट्रिप भाई, यादगार जबरदस्त। पहाड़ों पर जाने की काहे की वापसी आते समय पेट्रोल की बचत, नीचे आते रहो लुढ़कते चले आओ। लेकिन मंजर बहुत बढ़िया बढ़िया थे भाई, मजेदार, सही बात, मजा आ गया बाइक बाइक से तो सीट देखे वो जहाँ मनो वहां जो करना है करो। ब्लॉग्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे भाई, क्या मजे किए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं सीसी और बढ़िया से वीडियो में। भाई साहब ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून से गए, सुकून से आ गए हम लोग सब लोग। वीडियो तो लेट हो गई है, आई थिंक एक महीना के बाद ये वाला आ रहा है, एक महीना या 20 दिन के बाद। अभी तो दूसरी जगह हूँ, अब इसके बाद भी बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं, ट्रैवल व्लॉग, बाइक्स के व्लॉग, कार्स के व्लॉग, सब पेंडिंग पड़ा है, मामला सिस्टम एडिट करना है, सब कुछ धीरे धीरे आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में। यहाँ तक सपोर्ट बहुत बढ़िया दिखाने के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बने रहिए। तो रखते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नैनीताल की ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए और इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए वीडियोज़ पर।